प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान के लिए ये बात हमेशा बड़े फ़ख्र की रही है कि पाकिस्तानी दुनिया भर में जाकर अपना नाम रोशन करते हैं, खिदमात फराहम करते हैं और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे लोग हैं पाकिस्तान से जो बतौर डॉक्टर जाकर दूसरे ममालिक में खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है इसलिए कि वो अपने काम में बड़े मशाक हैं। इसी तरह से खेलों के शोबे में भी है कि पाकिस्तान के लोग दूसरे ममालिक की टीमों को ट्रेन करते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो चाहे कोई और खेल हो। तो पाकिस्तान में जिन्होंने अपना नाम और फिर पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया, अब वो पाकिस्तान के नाम को रोशन करने के लिए दुनिया भर में एक शमा को जलाए हुए हैं। मैं आज जिक्र करने वाला हूं हॉकी का, हम बात करने वाले हैं हॉकी की, और जिन साहब का मैं बिलखसूस जिक्र कर रहा हूं वो शहबाज जूनियर साहब हैं जो पाकिस्तान की हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं और इस वक्त कनाडा में जो है वो हॉकी की को फरोग देने के लिए काम कर रहे हैं। शहबाज जूनियर साहब, बहुत शुक्रिया, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ नवीद आलम साहब भी मौजूद हैं, आप साबिक ओलंपियन हैं, यहाँ पाकिस्तान में जो सूरत हाल है हॉकी की उस पर कुछ बात करेंगे। और मुझे कुछ देर में जितेंद्र सिंह ज्वाइन कर रहे हैं, सदर हैं कैनेडियन फील्ड कल्चर क्लब के, मैं सबको खुश आमदीद कहूँगा। और सबसे पहले शहबाज जूनियर साहब, मैं आप ही से आगाज करना चाहूंगा, कैसे शबो रोज गुजर रहे हैं हॉकी को लेकर? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मेरी तरफ से नवीद को भी सलाम आप सबको, और थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे हमारा जो एक नेशनल गेम है उसके मतलब आपने मुझे मदरूफ किया और मैं अपने ख्याल का इजहार कर सकूँ। देखें यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है ना वो आप पता है पूरे वर्ल्ड में जो सिचुएशन चल रही है तो पेंडेमिक की वजह से यहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज तो टेम्परेरी जो है वो स्टॉप है। लेकिन पाकिस्तान में अभी आपको पता है कि पूरी एक्टिविटीज जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हालात भी अच्छे हैं और स्पोर्ट्स की जो है वो तमाम एक्टिविटीज हो रही है। तो टेम्परेरी तौर पर यहाँ पे जो है ना वो मेरा ख्याल है कि लास्ट 3 या 4 मंथ से बंद है, पहले शुरू हुई थी अब जो है ना वो बंद हो गई। अब मेरा ख्याल है कि अभी 2 या 3 हफ्ते तक जो है ना वो खुल जाएगी और इंशाल्लाह ताला हम दोबारा जो है ना वो अपनी जो है वो जो हमारा एक जो हॉकी में हमारा एक पैशन है वो मैं इंशाल्लाह ताला यहाँ पे अपनी क्लब में जो है ना वो दोबारा। तो हॉकी के हवाले से एक्टिविटीज क्या रहती है, ट्रेनिंग है, टूर्नामेंट्स होते हैं, आपका रोल क्या है उसमें और मजमूई तौर पर आपके काम की नौयत क्या है, आप क्या कर रहे हैं हॉकी से मुतालिक? जी यहाँ पे जैसे ओंटारियो एक प्रोविंस है, जैसे हमारा पाकिस्तान का सूबा पंजाब है, केपीटी है या अपना सिंध है, तो यहाँ एक सूबा पंजाब है जिसका मैं हेड कोच हूँ, रह चुका हूँ, और U16 U18 और सीनियर टीम का ये तीनों जो है टीमों को मैंने ट्रेन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे के बाद जो है ये तकरीबन 15 साल के बाद ये पहली दफा है ओंटारियो जो पहली दफा वैंकूवर में जाकर जो है वो 2014 में जो है वो गोल्ड मेडल हमने हासिल किया U16 में। तो ये एक बड़े जो है ना वो लंबा प्रोसेस था। यहाँ पे मैंने जब आकर देखा कि जो प्रोविंस में हॉकी खेली जा रही है तो मुझे मेरा एक पैशन भी था, तो पाकिस्तान की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम गुजारा था हॉकी में, तो सारी बात है कि वो अपने उस पैशन को आगे लेकर जाना चाहता था। तो मैंने फिर एक क्लब के जो हमारे प्रेसिडेंट है कैनेडियन फील्ड हॉकी कल्चर क्लब, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, फिर मैं उस टीम को जो मैंने ट्रेन किया और उस टीम की जो क्लब के मेंबरान थे 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं जो उस टीम को मैंने ट्रेन करने के बाद जो नेशनल जूनियर कैनेडा में भी खेले और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है ना मौजूदा जो जो टीम है इस वक्त नेशनल कैनेडा जूनियर की उसमें जो है वो अभी अभी भी खेल रहे हैं और जो दो या तीन लड़के हैं जो सीनियर टीम में भी इस वक्त जो है ना वो जा चुके हैं। सही है। अच्छा नवीद आलम साहब, आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान में जो हॉकी हो रही है? हम जब भी अपनी नाकिस कारकर्दगी का जिक्र करते हैं, हम जब भी जिक्र करते हैं कि जी पाकिस्तान की हॉकी जो है वो तबाह हो गई, तो हम उसकी वजूहात का भी जिक्र करते हैं, कुछ तजावीज़ भी आती हैं। आपको लगता है अगर से चलें पिछले 1 साल से तो कुछ खेल मुतासर है लेकिन मजमूई तौर पर कुछ ऐसी पॉलिसीज बनी हैं कि हम कुछ बेहतरी की तरफ गामजन हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो असदुल्लाह खान साहब थैंक यू वेरी मच, आपने शहबाज को लाइन पे लिया मैं और हॉकी के ऊपर आपने प्रोग्राम शुरू किया। मैं शहबाज के लिए चंद लफ्ज कहूंगा, दुनिया में बड़े आर्टिस्ट प्लेयर आए जी लेकिन शहबाज जूनियर पाकिस्तान की उन वन ऑफ बेस्ट प्लेयरों में रहे हैं
जी जो माशाल्लाह 1994 वर्ल्ड कप जीतने वालों में से भी थे और माशाल्लाह प्राउड परफॉर्मेंस भी है। और आज जैसे उन्होंने बताया कि वो कनाडा की टीम को कर रहे हैं कोचिंग और वहां के क्लब्स को कर रहे हैं, तो ये तो हमारी खुशी की बात है कि हमारा कौमी खेल आज दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट गेम है। जी हॉकी हमारी पहचान है और उस पहचान को जैसे आपने कहा अपने इंट्रो में शबाज साहब, इसी तरह हमारे बहुत सारे कोचेज दुनिया की नेशनल टीम्स को लेकर रन कर रहे हैं। सीईओ एशियन हॉकी फेडरेशन पाकिस्तानी है, तो हॉकी में नाम तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। जी लेकिन जो आपने सवाल किया, जो आपकी बात थी कि हम इस वक्त कहाँ हैं वर्ल्ड हॉकी में, जी हम 17 पोजीशन पे हैं। ये कोरोना का तो चलो 1 साल आप कर लें, लेकिन दुनिया की एक्टिविटी नहीं रुकी, थोड़ा पैरामीटर कुछ एसओपीज बने हैं। लेकिन इसके अलावा जो प्लेयर प्रमोशन प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम है या आपके स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो ये जितनी भी हमारे प्रोग्राम है हम इंटरनेशनली थोड़ा उनसे लैकिंग में है। और जैसा कि पिछले लास्ट 15 साल से 2008 के बाद कुछ सिचुएशन पाकिस्तान हॉकी की ऐसी चल रही है, तो जो हम कंट्रोवर्सी में हॉकी ज्यादा रही, तो कमिंग सून उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, पाकिस्तान ओलंपिया ओलंपिक एसोसिएशन जैसे अभी गेम्स आ रही हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला टाइम जो है 2022 पाकिस्तान हॉकी के लिए कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बैटलमेंट, कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट्स बेहतर होंगी। उस बेहतरी के लिए अभी प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन का वेट है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन आ जाता है, तो हॉकी तो है जी, दुनिया में हॉकी तो खेली जा रही है, लेकिन पाकिस्तान एज सच उस लेवल पे नहीं है इस लेवल पे हमारे हमें होना चाहिए। अच्छा नवीद आलम साहब, वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, तो ये हमने देखा कि ग्रेजुअली गिरते 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 हम 17वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ये जब हॉकी गिर रही थी तो हमने इसको गिरने दिया या किसी से कंट्रोल नहीं हो पाया, और आप मजमूई तौर पर क्या वजूहात देखते हैं कि जिसकी वजह से हम 17वें नंबर पर पहुंचे? आपने असदुल्ला बड़ी बहुत अच्छी बात की। देखें ये मैं आपको बताऊं कि जब हम 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन 1994 के बाद 2000 तक 2003, 2004, 2006, 2007 इवन देन 2008 ओलंपिक्स तक आपने अपने आप को सस्टेन किया, मेंटेन किया वर्ल्ड हॉकी टॉप 10 में, आप 7वें पे, 6ठे पे, 4ठे पे, और आप आते थे तो आपको पेन होती थी कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल क्वालिफाई क्यों नहीं किया, आप फर्स्ट 4 के लिए क्यों नहीं आए। लेकिन बदकिस्मती फिर ऐसी हुई कि 2008 के बाद एक ऐसा चेंजेस आई हॉकी में कि हमारी जो प्रोसेस था फेडरेशन बनने का वो ब्रेक हो गया। एक लैंडिंग हुई, उस लैंडिंग के बाद फिर हमने अपने मनपसंद लोगों को नवाजना या साथ चलाना शुरू कर दिया। प्रोसेस के तहत अभी शबाज कनाडा में है, इसी तरह और लोग दुनिया में है, आपने कोच अपॉइंट करना है, आपने प्लेयर सिलेक्ट करना है, आपने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लेना है, तो आप प्रोसेस करते हैं। अगर आप एंकर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आपको इस पोस्ट के लिए कोई प्रोसेस किया होगा आपने, तो हॉकी में प्रोसेस चला गया। जो पोजिशन पे आए दे इम्प्रूव हिमसेल्फ, उन्होंने अच्छा अपने आप को इम्प्रूव किया, लेकिन हॉकी को हमने एज सच गवर्नमेंट की तरफ हमने ऐसी पॉलिसीज बना के नहीं दी कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, स्पॉन्सर्स को हम अट्रैक्ट नहीं कर पाए कि स्पॉन्सर्स हमारी तरफ आए और पाकिस्तान हॉकी को वो ग्रूम करने में साथ दे, जो आए उनको हम रोक नहीं पाए। और जो हमारे नीचे बच्चे हैं स्कूल्स के कॉलेजेस के, उनके लिए हमने कोई ऐसा चार्म, कोई ऐसी एजुकेशन सेटअप नहीं बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है तो कोचिज हमारे पास एजुकेटेड नहीं है, जो कोचिज रखे हुए हैं वो वही प्रोसेस जो मैं कहता हूँ कि कोचिज जो हमारी लाइनअप में होंगे, हमारे ग्रुप्स में होंगे, उनको हम नेशनल टीम का कोच बनाएंगे। अगर शबाज जूनियर जैसा पाकिस्तान का टॉप क्लास प्लेयर जाके क्लब को या प्रोविंस को कोचिंग कर रहा है, सलमान अकबर हॉलैंड में कोचिंग कर रहा है, इसी तरह और बहुत सारे लोग जो हमारे कोचिंग एक्सपर्ट्स हैं, वो क्यों पाकिस्तान में नहीं कर रहे? कि पाकिस्तान का कोचिंग स्ट्रक्चर हो, अंपायरिंग स्ट्रक्चर हो, फेडरेशन में आने में जो पोर्टफोलियोज है उनमें आने का प्रोसेस हो, तो कोई प्रोसेस नहीं है। तो हमारी जो डिमांड या ख्वाहिश है, ये पाकिस्तान हॉकी वापिस कैसे आएगी? जब हम अदारे में एक प्रोसेस अडॉप्ट कर लेंगे, आने वाले के लिए हम एक तरीकेकार बनाएंगे और जाने वाले को खैरबाद कहेंगे, तो मेरे ख्याल में हॉकी जो है पाकिस्तान की नसों नसों में है, बच्चों में है, आपके आज आप अगर प्रोग्राम कर रहे हैं कौमी खेल पे असदुल्ला, तो ये हमारे लिए और इससे बढ़ के क्या होना चाहिए। लेकिन फेडरेशन होती हैं जो आने वाली नस्ल के लिए एक अट्रैक्शन पैदा करती हैं। क्या यूरोप ने अपनी गेम में फुटबॉल में अट्रैक्शन पैदा नहीं की? बिलियन ऑफ रुपीज उन प्लेयर्स को मिल रहा है। जी इसी तरह क्रिकेट चले जाए,
14 से 15 कंट्रीज क्रिकेट खेलते हैं, ब्रिटिश गेम है, क्या उसका लेवल उन्होंने इंक्रीज नहीं किया? लेकिन हॉकी सेकंड लार्जेस्ट गेम है दुनिया में, 137 कंट्रीज खेल रहे हैं, लेकिन जिस कंट्री की पहचान है उस कंट्री वो उन चीजों को भूल गया, हीरोज को हम भूल गए, अपने सीनियर्स के लिए हमने वो कोई ऐसा वे फॉरवर्ड नहीं किया कि हमारी आने वाली नस्लों को पता हो। असदुल्ला आप बैठे हैं, शबाज जूनियर बैठा है, हम दोनों आप, मैं भी बैठा हूँ, पाकिस्तान के 18 प्लेयर्स का नाम आपको पता नहीं होगा, कप्तान वाइस कप्तान का नाम आपको पता नहीं होगा, ये डैमेजिंग हमें ये डैमेजिंग चीजें हैं, तो अल्लाह करे। और बड़ा दिल दुखता है इसको देख के, जी हाँ, इसको देख के बड़ा दुखता है, क्योंकि एक वो आप 94 की बात कर रहे हैं, मैं उस वक्त छोटा था, और वो मोमेंट्स जो हैं वो अभी तक जो हैं वो हमारे जहनों में नक्श हो चुके हुए हैं, और उस मोमेंट को सोच के हम आज भी प्राइड फील करते हैं। तो आप सोचिए कि उन मोमेंट्स को देख के कितने लोग इस खेल में आए होंगे, हीरोज थे आप लोग सब, और अब जब हीरोज ना रहेंगे तो कौन उसे अट्रैक्ट होगा और कैसे नए बच्चे मोटिवेट होंगे, ये बड़ा एक अहम सवाल जी। अच्छा, अब मैं जो है, जितेंद्र सिंह मेरे साथ मौजूद हैं और जो है वो मेरे साथ बलजिंदर राखड़ा भी मौजूद हैं, मैं इन दोनों के साथ गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के साथ हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, मेरे साथ अब जितेंद्र सिंह मौजूद हैं जो कि सदर हैं कैनेडियन फील्ड कल्चर क्लब के। जितेंद्र सिंह जी, मुझे ये बताइए, एक तो ये कि क्या मैं उर्दू में सवाल कर सकता हूँ या पंजाबी में ही करूँ? उर्दू समझ लेते हैं आप? हाँ, कोई गल नहीं, मैं जिन्नी की अंडरस्टैंडिंग है ठीक है, मैं तमिल ना। चलें, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं सर, कैनेडा में हॉकी को कितना लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कितना इसके करीब आ रहे हैं, कितना खेलने में शौक रखते हैं, हॉकी कितना मकबूल या फेमस गेम है यहाँ पर? इतने भी सेम मैं ये कह सकता बहुत ज्यादा मकबूल नहीं हैगी जी, क्योंकि क्रिकेट ते फील्ड हॉकी इतने कनेडा दे लई ये नवीं गेम ने, बाकी गेम कंपेयर जो अपना करते हैं, पर फिर भी जिहड़ी पंजाबी कम्युनिटी आ, इंडिया पाकिस्तान दी स्पेशल जां इंग्लैंड तों जर्मन तों, ओह कम्युनिटी काफी हाकी खेडदी आ। ओहदे विच जे मुंडे थोड़ा जिहा पिछे आ मेन्स टीमां, ते गर्ल्स हाकी बहुत इत्थे खेडदियां, यूनिवर्सिटी दे विच भी आ, कॉलेजां दे विच भी आ, स्कूलां दे विच भी आ कुड़ियां दी हाकी जी। सही है, ते तुसीं की फ्यूचर देख रहे हो हॉकी दा कैनेडा दे अंदर? कनेडा फिर भी ठीक है जी, डे बाई डे जे तुसी साड़ी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग देखते हैं, कुड़ियां ते मुंडियां दी साड़ी ठीक आ, ते ट्राई कर रहे हैं जी, शहबाज भाजी साड़ी नाल हैगे ने, ते असीं डे बाई शहबाज साहब दे नाल कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? शहबाज साहब एक बहुत वड्डा नाम है हॉकी दा, और यानी अगर तुसी चंद एक ग्रेट प्लेयर्स एक लिस्ट बनाओ ते शहबाज साहब ओदे अंदर एक एक टॉप ते सानू नजर आनगे, ते कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, किन्नी मोटिवेशन मिलदी है नौजवानों नू शहबाज साहब तो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, शहबाज भाजी ते अपने आप च एक नाम है जी, ये मेरे दोस्त गए सी इंडिया 2010 दे विच, उत्थे वर्ल्ड कप सीगा, ये एज ए कोच गए सी टीम दे पाकिस्तान दे, ते उस तो बाद फिर इन्होंने इत्थे आ गया, इत्थे आके रबता कायम होया, तो इन्हों रिक्वेस्ट की, इन्होंने बहुत वधिया साडे बच्चे रेडी किए जी, तो 2010 तो लैके हुण तक साडे नाल जुड़े हुए ने, जिहदे विच इन्हों एज ए कोच लिया, फिर ये इत्थे अंटेरियो दे विच भी कोचिंग इन्होंने की। 2011 दे विच इन्होंने सीनियर टीम मेन्स की कोचिंग की एज ए कोच, 2012 दे विच U16 ਬੁਆਇਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਕੋਚ ਐਜ਼ ਏ ਇੱਥੇ ਅੰਟੇਰੀਓ ਤੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ 2017 ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿਨੇ ਲੱਕੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਸੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਜੀ 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 ਸ਼ੋਰ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਅ ਕੋਚ ਲਾਈਕ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਐਂਡ ਹਿਸ ਕੈਲਿਬਰ, ਇਟਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅਸ ਦੈਟ ਵੀ ਸੋਰਟ ਆਫ ਯੂ ਨੋ ਯੂਜ਼ ਹਿਮ ਟੂ ਦ ਫੁੱਲੈਸਟ ਐਕਸਟੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਟਸ
very important for us to try to get as much out of him as possible. And he's a great coach. Not only does he see the game differently, he also inspires our younger children, our younger adults, to be better athletes. Since he's been coaching us, six of our boys, our young men, have made the Canadian national program in various capacities. Some of them have gone off to world championships. Some of them are on the national squad. Some are placed on the Olympic junior squad. And that kind of talent and that kind of resource is very difficult to find in Canada. And, you know, we are extremely lucky that he's here. You know, not only expertise, from them, we're able to get a lot of, you know, knowledge and skill set. And the kids really look up to him because he's accomplished so much. And his tactical skills and his love for the game moves over to the kids, and you can see that. सही है, बिल्कुल सही है. अच्छा शहबाज साहब, आपके बारे में जो कुछ कहा गया वो आई एम श्योर के बहुत कम कहा गया, और बहुत कुछ कहा जा सकता है. आप एक जबरदस्त प्लेयर हैं, और आई एम श्योर आपने कहा कि मैं अभी आपने जो पहले गुफ्तगू कर रहे थे, आपने कहा कि पैशन है हॉकी, और उसको जाहिर है आप चाहते हैं कि अगली नस्लों तक मुंतकिल किया जाए, और जितना सिखाया जा सकता है वो सिखाया जाए. अभी नवीद आलम साहब से पाकिस्तान हॉकी के हवाले से बात हो रही थी. शहबाज साहब, आप क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान हॉकी का, और क्या आप समझते हैं कि आप जैसे और प्लेयर्स को पाकिस्तान हॉकी में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है वो बुलाया जाना चाहिए, और आप जैसे प्लेयर्स को यहाँ पर भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, आप या आप जैसे और दोस्त? असदुल्लाह, सबसे पहले तो मैं दो तीन बातें करना चाहूंगा जो अभी नवीद ने कही हैं. ये कुछ उन्होंने बातें की है कि हॉकी की डिक्लाइन की मेन जो है ना वो वजह कैसे जो है ना वो हुई है. तो 94 और 98 तक तो बहुत अच्छी जो है ना पाकिस्तान नंबर थ्री तक. 94 में जैसे आपको पता है वर्ल्ड चैंपियन, 94 में चैंपियंस ट्रॉफी नंबर वन, और 98 तक जो है ना पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डिक्लाइन क्यों हुआ, ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप अनफेयरली तरीके के साथ जो है ना जो फेडरेशन को या आप सिलेक्शन में अनफेयरली तरीके के साथ चलेंगे या आप राइट जॉब पे राइट पर्सन को नहीं देकर आएंगे तो ये जो है ना वो आपको जो है ना वो परफॉर्मेंस जो है ना देखने को मिलेगी. ठीक है, दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान हॉकी में अगर आपने स्कूल लेवल्स और अकेडमी लेवल को जो है ना हॉकी क्लब्स को अच्छे तरीके के साथ फॉल नहीं किया तो पाकिस्तान को टैलेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि वहां पे जो है आप प्लेयर्स को आप ट्रेन करते हैं, क्वालिफाइड पर्सन होने चाहिए, क्वालिफाइड कोचेज होने चाहिए. आपके पास माशाल्लाह इतनी क्वांटिटी है कि जो ओलंपियंस इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं आप उनको जो है वो सही तरीके के साथ जो 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 वाकई कॉम्पिटेंट हैं, जो जो हॉकी में नॉलेज रखते हैं, उनको उस जगह पे जो है डिब्यूट किया जाए जहां पे हॉकी का टैलेंट है. मिसाल के तौर पे गुजर है जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, शेखपुरा है, और बहुत सारे सिटीज हैं जो हॉकी में जो है ना माने जाते हैं, और वहां पे जो है ना वो हॉकी का बहुत ज्यादा शौक है और हॉकी खेली जाती है. और मेरा ख्याल पाकिस्तान में कोई ऐसा जो है वो टीम नहीं बनती जो गोजरा के प्लेयर्स के बगैर जो है वो नामुमकिन हो. तो उसमें डेफिनेटली दो तीन की एवरेज रहती है. तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब तक आप स्कूल को कंपल्सरी नहीं करेंगे, स्कूल लेवल पे अकेडमी सिस्टम को अच्छा फॉल नहीं करेंगे, और हॉकी क्लब जो इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ जो है सियासत का शिकार हो चुकी है, आप उसको उससे पाक नहीं करेंगे, आप जो है वो हॉकी में परफॉर्मेंस नहीं ले सकते, आपके पास ऊपर टैलेंट नहीं आ सकता. आप देखिए कि ये सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की है. पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को उन प्लेयर्स को उन लोगों को लाना चाहिए जो वाकई हॉकी के साथ जो है. तो बुनियादी तौर पर तो शहबाज साहब सिस्टम बनाने की बात है, कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल तक ले जाएं, स्कूल की सतह पर ले जाएं, सिस्टम नहीं बनेगा. मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पर कोई अदबी माहौल है, शौरा की महफिलें होती हैं या मुशायरे होते हैं, तो उनको देख के नौजवान शायरी सीखेंगे ना. अगर कोई अच्छा खेल नहीं रहा, या चले क्रिकेट में अगर वो 5 आउट कर रहा है या 200 रन कर रहा है, तो नौजवान जो क्रिकेट का थोड़ा बहुत शौक रखते हैं उनको देख के मोटिवेशन लेंगे. अब हॉकी हो नहीं रही या हॉकी में बड़ा कोई नाम पैदा कर नहीं रहा, तो आज की जो नई नस्ल है, जो अभी इस लड़के 14 साल या 15 साल के या 13 साल के हैं, वो देखेंगे किसको हॉकी में आने के लिए. तो ये आपकी बात ठीक है कि कंपल्सरी करेंगे स्कूलों में, फिर एक शायद दोबारा 5 साल लगे हमें वापस हॉकी को मंजरनामे पर लेकर आने के लिए. जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा. मैं मेरा सिर्फ यही है कि आप देखें कि इतने सालों से आप देखें पाकिस्तान की जो रैंकिंग है इस वक्त,
मैं समझता हूँ कि जैसे नवीद ने कहा है कि पाकिस्तान एक वो कंट्री है जो जिसकी वजह से लोगों ने हॉकी सीखी है, जिसकी वजह इस वक्त जो है ना लोग जो है ना वो वर्ल्ड चैंपियन है या ओलंपिक चैंपियन है। तो पाकिस्तान और इंडिया का एक नाम होता था, आप पहले चल जाए 80s की या 90s की पहली दहाई में चले जाए, उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के अलावा वर्ल्ड चैंपियन ओलंपिक चैंपियन नहीं होता था। पाकिस्तान से हॉकी जो है वो कन्वर्ट हुई है बाहर, ये क्यों हुई है, हम वहीं के वहीं हैं। तो ये बात है कि हमें सोचना चाहिए कि क्या वजह है, क्यों हमने जो है ना वो हमारा नेशनल गेम जो है ना वो इतनी जो है वो नहज तक पहुंचा है, क्या इसके पीछे मुहरकात हैं, कौन लोग हैं जो अपनी अपनी सीटों को प्रायोरिटी देते हैं और वहां पे आकर अपना टाइम जो है वो पूरा करते हैं और हॉकी की वजह से वो सीटों पे आती हैं और हॉकी के लिए वो काम नहीं करते। तो ये इसलिए चाहते कि हॉकी को बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको सही होना चाहिए कि राइट जॉब पे राइट पर्सन होना चाहिए, तब आप जाकर जो ना हॉकी मेरिटोक्रेसी। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, प्रोग्राम में ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा एक चीज नवीद आलम साहब और भी है, अगर आप एक तो शबाज साहब की बात में कुछ ऐड करना चाहें जरूर कीजिएगा, प्लस एक सवाल मेरा यह है कि जब फाइनेंशियल इंटरेस्ट आप इन्वॉल्व करते हैं किसी भी चीज में, जैसे क्रिकेट में जब पैसा आएगा तो जाहिर है कोई एक मोटिवेशन होती है, या पैसा मोटिवेशन है या बड़ा नाम मोटिवेशन है कि लोगों को नाम बनाने का शौक है और पैसे भी ऑब्वियसली एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया में अपना वजूद तो रखती है। आपके ख्याल में किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है कि नौजवानों को इसकी तरफ रागिब किया जा सके? क्या कोई इस तरह की जैसे हम क्रिकेट लीग्स करवाते हैं, क्या हॉकी लीग्स करवाई जा सकती हैं? क्या पाकिस्तान दूसरे मुमालिक के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में कोई काम कर सकता है, जैसे कनाडा के क्लब्स के साथ पाकिस्तान के क्लब्स मिलकर मुश्तरक तौर पर कुछ काम कर सकते हैं? तजावीज़ क्या दी जा सकती हैं सर, क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? नवीद साहब पहले तो मैं शबाज ने जैसे बात कही इसी तरह बाकी हमारे दूसरे दोस्तों ने, मैं इसमें दो चीजें ऐड करूंगा। एक तो वो हमारे जो सिख ब्रदर्स दोनों बैठे हुए हैं कि हमें ऑन करना पड़ेगा कुछ चीजों को, जैसे मैं कहता हूँ कि इंडियन पंजाब और पाकिस्तान पंजाब के बगैर दुनिया की हॉकी या दुनिया की चीजें नहीं खेली जा सकती। ये मेरी वर्बली बिलीव है, मुझे उम्मीद है मेरे तीनों साथी और आप इसको ऑन करेंगे। हॉकी पूरी दुनिया में खेली जाती है, लेकिन अगर इस खित्ते की बात की जाए जहां हम बैठे हुए हैं, जिसकी नेशनल गेम की बात करें, वो इंडिया की हो पाकिस्तान की, पाकिस्तान और इंडिया में भी अगर आप चले जाएं तो पंजाब में आपको ज्यादा लोग मतलब हॉकी खेलते हुए आपको नजर आएंगे। अब अगर कनाडा में बैठ के शबाद और हमारी वो किसी इंडियन कम्युनिटी और पाकिस्तान कम्युनिटी मिलकर हॉकी को रन करने में कैनेडियन नेशन को एक अच्छी रैंकिंग में ला सकते हैं, अपनी एफर्ट्स को पॉजिटिवली इन ग्रेजुअली एक राइट डायरेक्शन पे चल रहे हैं जहां पे प्रोडक्शन या प्लेयर को तैयार करना पड़ता है। अब आ जाए पाकिस्तान की तरफ, जैसे शबाज ने बात की कि गोजला चले जाएं, शेखुपुरा चले जाएं, सियालकोट चले जाएं, बन्नू चले जाएं, एबटाबाद चले जाएं, बहावलपुर चले जाएं, मैं कराची चले जाएं, आपको आर्टिस्ट नजर आएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें 2021 5G के दौर में क्वालिटी एंड जो राइट मैन वो राइट जॉब की जो बात हुई है उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करने, इंस्टीट्यूशनल डिसीजन करने पड़ेंगे। हमें स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल लोग चाहिए, हमें नूर खान, मीर रफुल्ला खान जमाली, जनरल अजीज, एवीएम फारूक उमर, ब्रिगेडियर आतिफ, कर्नल मुदस्सर, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं जो हॉकी और इंटरनेशनल एनवायर एंड रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिसीजन कर सके जी। हमारा जो इशू है जैसे आपने बात कही कि इंटरेक्शन या तो हीरोइज्म है या पैसा है, जब हमने हॉकी खेली और वर्ल्ड चैंपियन, हमारी अट्रैक्शन हीरोइज्म था, हमारी अट्रैक्शन फ्लैग था, हमारी अट्रैक्शन गोल्ड मेडल था। पैसा डेफिनेट जरूरत है, अट्रैक्शन है, लेकिन अगर फुटबॉल अपने प्लेयर्स को बिलियन ऑफ रुपीज इंस्टीट्यूशन दे सकता है तो वाई नॉट हॉकी। तो पहले हमें वो पैरामीटर, वो कह लें कि इंस्टीट्यूशनल स्किल्स इंप्रूव करनी होंगी। जैसे आपने लीग की बात की, लीग बहुत बड़ा इशू नहीं है, 2005-06 में पाकिस्तान में हॉकी लीग हुई, ज्वाइंट इंडियन एंड पाकिस्तान प्लेयर्स आपस में खेले, उसके बाद 2006 के बाद अभी 2021 आ गया, आपके पास लीग तो क्या, आपने अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में प्लेयर्स को कंफर्ट जोन में नहीं लेके आए। आपका इंटरनेशनल प्लेयर फॉर द फॉरेन पोस्टिंग जा रहा है, आपके क्वालिफाइड कोचेज दूसरे कंट्रीज और क्लब में जा रहे हैं, और जो आप अपॉइंट कर रहे हैं, जो ग्रूम कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैपेबिलिटी उस लेवल पे नहीं है। तो उनको इंक्रीज करने के लिए जरूरी है कि हम दुनिया के एजुकेशन प्रोग्राम के साथ अपने सीनियर जो हमारी विक्ट्रीज या ग्लोरीज आई हैं उनको ज्वाइन करें,
दूसरी बात असदुल्ला, जो सॉरी मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे पास बेस्ट दुनिया का सिस्टम मौजूद है। आपके पास शहबाज ने जैसे कहा, हमारे पास क्लब स्ट्रक्चर मौजूद है, बेस्ट एवर क्लब स्ट्रक्चर, लेकिन उसे हमें जो सियासत, जैसे शहबाज ने कहा कि सियासत की नजर हो गया, उसके ऊपर तवज्जो करनी होगी, फोकस करना होगा, हमें लोगों को इज्जत देनी होगी। ठीक। दूसरा आपका स्कूल सिस्टम, जी। स्कूल के बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर आपका डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंशियल सिस्टम, ये सारा सिस्टम मौजूद है। कोलैप्स का हो जाता है जब आप एज इंस्टीट्यूशन फेल हो जाते हो। जी। आपने आज के दिन तक वो कोलैबोरेशन, दुनिया से क्या कोलैबोरेशन करनी है, पाकिस्तान में जो हमारी इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान ओलंपिक है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, प्रोविंशियल बोर्ड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाई, फेडरेशन लेवल पे वो काबिलियत नहीं आ पाई, जिस वजह से हमारा जो बेस्ट सिस्टम था, हॉकी तो हो रही है उससे हीरो भी पैदा नहीं हो रहे। और जो आपने बात की कि पैसे की अट्रैक्शन, स्पॉन्सर लेके आते, इंस्टीट्यूशन थोड़ा रिचेस्ट पोजिशन पे आ जाता, वो नहीं कर पाए। अब हमें डिसीजंस करने का टाइम है, बेस्ट एवर प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और हमारी फेडरेशन का जो तरीकेकार है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में या इंडिया में, हमारी फेडरेशन चलती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की डिसीजन से, क्योंकि पैटर्न चीफ है। और इमरान खान साहब से पहले जो हमारे अपॉइंटमेंट्स होती थी असदुल्ला, वो होती थी कि जो मेरी पार्टी में है उसका फैसला जी वो आ जाएगा। हम चाह रहे हैं कि सियासत, हम चाह रहे हैं कि कोई पार्टी हो, पार्टी बेस्ड फेडरेशन नहीं बननी चाहिए। अगर किसी बंदे को 8 साल मिल जाए, 5 साल मिल जाए, अगर उसमें वो परफॉर्मेंस दे तो उसकी प्रमोशन करें, अगर वो नेशनल है तो इंटरनेशनल करें, अगर उसकी परफॉर्मेंस से मुल्क नीचे जा रहा है, टीम नीचे जा रही है, तो वो थैंक यू वेरी मच कह दे। कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं कि वो बंदे 8-8 साल से 7वें नंबर से हमारी टीम 17वें पे आ गई, और अगले साल आपके 21वें 22वें पे चले जाएंगे। तो इन लोगों की ज्यादा जरूरत है या हमें अपनी फेडरेशन को आगे लेके जाने की जरूरत है? बिल्कुल, डिसीजन की जरूरत है। जब डिसीजन आगे तो मेरे ख्याल में हॉकी जो है वो दुनिया की खूबसूरत गेम है, पूरी दुनिया में खेली जाती है। हमें इस गेम के साथ साथ अपने मुल्की जो हमारी हॉकी है और इंडिया पाकिस्तान की जो हॉकी है, जैसे आपने कहा कि हम ज्वाइंट एडवेंचर क्यों नहीं कर सकते, यस वी कैन डू। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मुझे जितेंद्र जी मैंने एक गल दसो कि सिर्फ पाकिस्तान च ही नहीं हॉकी थले आई, इंडिया च भी इस तरह ही होया, तुसी उत्थे की वजह वजूहात देखते हो, रीजनस के तुहाडे ख्याल च की ने, इंडिया च क्यों हॉकी थले आई है? सेम आही प्रॉब्लम जो भाई साहब ने हुणे एक्सप्लेन किया भी जिहड़ी विच पोलिटिकल गेम कीती जांदी आ, प्रेजिडेंट अपनी पार्टियां आप लाउंदे आ अपने बंदे, पर बेसिक जे ग्राउंड लैवल से वह काम नहीं किया जाता, ना क्लबां नूं कोई फंडिंग की जाती है, ना कोचिंग दे कोई बहुत वधिया प्रोग्राम दिते जाते हैं। जेडे स्कूलों के भी साढ़े पंजाब च, इधर इंडिया भी सेम ही है जी, सेम लाइक पाकिस्तान, मैं हमने सुनिया भाई साहब तो सेम यही पोलिटिक्स लगा कि ताड़ी स्टोरी सुना रहे हैं। हाँ, मैनू इदा ही लगा जी जिम्मे इंडिया की गल ही कर रहा है। कोई शक नहीं है। असदुल्ला, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, ये वाकई जो है ना वो हमारे इंडिया का और पाकिस्तान का जो पंजाब है, आप ये एक बेसिक जो है ना, मैं समझता हूँ कि मेन जो है इसमें आप सब मिले कि इनके बगैर आपकी कोई भी नेशनल टीम जो है या नेशनल कैंपिंग में जो है ना वो प्लेयर्स जो है ना वो नहीं आते, जितनी देता इनकी पार्टिसिपेशन ना हो जी दोनों पंजाबों की। इसी तरह इंडिया में आप लगा ले कि इंडिया के मोस्टली प्लेयर जो है ना वो नेशनल टीम में होते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में पंजाब के जो है ना, क्योंकि ये ऐसा खिता है जहाँ पे हॉकी जो है ना वो नर्सरी परवान चढ़ी है इन शहरों पंजाब में। जी, सुपर डुपर स्टार तुमने पंजाब में सुपर डुपर स्टार पैदा होते रहे। जी हाँ जी हाँ। अच्छा जी हाँ, बलजिंदर यह दसो कि इंसेंटिव्स जड़े ने प्लेयर्स वास्ते वो कितने इंपॉर्टेंट ने? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पता की होंगे जो इंसेंटिव मॉनिटरी इंसेंटिव हो, एक्सपोजर हो, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी हो, उतो ही उन्होंने ग्रो कर जो मॉनिटरी होंगे अथे हम कैनेडा के जोड़े एथलीट्स आइडेंटिफाई कर देंगे किड़े लैवल से पहुंचे हुए हैं, उन्होंने खर्च हॉकी खेडन का मिल जाता, उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन के पैसे ट्यूशन वगैरह दे देंगे अपॉर्चुनिटीज। जी जो बंदा हॉकी खेलता, he doesn't have to give up something else to maintain his hockey.
ਕੈਨੇਡਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਾਕੀ ਨੇਸ਼ਨ ਆ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ 2000 ਇਲੀਟ ਪਲੇਅਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਪੀਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਦੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਫੋਰ ਦੈਮ ਇਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਗੁੱਡ ਕੋਚਸ ਹੂ ਕੈਨ ਮੋਟੀਵੇਟ ਦੇਅਰ ਪਲੇਅਰਸ, ਇਨਸਪਾਇਰ ਦੈਮ ਟੂ ਡੂ ਬੈਟਰ, ਟੂ ਸੋਰਟ ਆਫ ਵਾਕ ਦੈਮ ਥਰੂ ਦੇਅਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ. ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੇਖੋ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਨੰਬਰ 4 or 5 ਔਨ ਦ ਲਿਸਟ. ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਸੋਕਰ, ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀਆਂ. But the Canadian team has always maintained a pretty good international rating. Now, they're usually up in the top 10, 12, 8. And when you compare to other hockey nations, sometimes they even do better than, you know, on tournaments than Pakistan and India, which is remarkable for such a small country that plays field hockey. So the athletes get their motivation, one of the opportunity movie international kids, one of the opportunity movie ਐਕਸਪੋਜਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਇਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਯੋਰ ਪਾਕਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ, ਬਟ ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫੋਰ ਗਰੋਥ. ਯਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਲਚਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼. ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੋਰਟ ਆਫ ਲੁੱਕਸ ਐਟ ਓਲੰਪੀਅਨਸ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਥਲੀਟਸ in more of a positive light. They look upon them as someone who's done extremely well and sacrificed time and energy and commitment to pursue a very noble purpose. And I think that is what these athletes in Canada who play field hockey, now that's what they'll get out of it, is a personal satisfaction. Right. Thank you very much, Baljinder ji. Program vich tusi shirkat kiti. Jitender ji, tada bhi bahut shukriya. Ek break lenge program mein. Break ke baad wapas aayenge. To hamare saath Shahbaz saab maujood hain, Naveed Alam saab maujood hain aur Jagraj Kalkat hame join karenge, jo ke Canadian National Junior Hockey player hain. Main ek chhota sa break le raha hu program mein. Break ke baad wapas aate hain, phir guftugu ko hum conclude karte hain. दोबारा आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं. इस हिस्से में हमारे साथ जगराज कलकित मौजूद हैं, जो कैनेडियन नेशनल जूनियर हॉकी प्लेयर भी हैं. उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले मैं शहबाज साहब की तरफ जाऊंगा. शहबाज साहब, अभी जो बात हो रही थी, मैंने आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, क्या यह मुमकिन है कि पाकिस्तान और कैनेडा मिलकर क्लब लेवल पर या नेशनल लेवल पर हॉकी खेलें, और या आपस में हॉकी खेलें और हॉकी को फ़रोग देने के लिए, हॉकी को सपोर्ट करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बना लें हुकूमतों के लेवल पर, इन दोनों हुकूमतों के, पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान कुछ इस तरह की चीज़ें तय हो जाएं, क्या यह मुमकिन है? जी, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया असदुल्ला. ये मेरा ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अहम मेंबरान से भी, और अभी कोविड की वजह से हमारा योजना में अभी पता होगा कि अभी फ्लड लाइट सिस्टम जो है ना ऑन हुआ है. तो हमारी ख्वाहिश थी कि हम जो है ना यहाँ से कुछ वुमेन्स की जो है वो प्लेयर्स को लेकर जाएं, और वहां पे जो है ना वो वुमेन्स की टीमें जो है हमारे, जैसे बापटा है, रेलवे है, कुछ इस तरह का हम प्रोग्राम बना रहे थे कि चार टीमें हमारी वुमेन्स की हों, और ये तीन चार प्लेयर जो है ना यहाँ से कैनेडियन नेशनल जो है ना लड़कियों को लेकर जाए, ताकि एक अट्रैक्शन पैदा हो, एक मोटिवेशन हो वुमेन्स में. ठीक है, उसके बाद हम चाह रहे थे कि मेंस के साथ जो है क्लब्स का जो है ना वो, बिकॉज ऑफ आपको पता है कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से ये जो एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन हम अपने तौर पर इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि दो तीन प्लेयर इस तरह जो है ना आस्ता आस्ता जो है ना वो अपना क्लबों में, मुख्तलिफ जो है ना वो क्लबों में खेलें, ताकि लोगों को, बच्चों को जो है ना वो मोटिवेशन मिले कि बाहर के प्लेयर्स हमारे साथ आए हैं, कुछ वो लर्न करें, कुछ हमारे बच्चे लर्न करें, ताकि इस तरह जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो. और ये बहुत अच्छा आइडिया है कि बाहर के लोगों के साथ, आप बाहर टीमों के साथ, चाहे वो U16 हो, U14 हो, पाकिस्तान का जो ग्रास रूट लेवल है, जो नर्सरी है, इनको आपस में एक्सचेंज करना चाहिए और आपस में मैचेस खेलने चाहिए, ताकि उनके 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 जो है वो खेल में जो है वो निखार पैदा, और उनको कॉन्फिडेंस मिले, और उनको जो मजीद जो है वो, जिस तरह अभी आपको पता है कि पाकिस्तान में जब कोई नेशनल जाती थी हमारे खेलने के लिए, तो आपको पता है हमारा एक्सपोजर बहुत कम है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान टीम बाहर के टूर कम करती है, आपस में इंटरनेशनल मैचेस बहुत कम हो गए हैं. हमारे दौर में बहुत होते थे, एक साल में 3-4 टूर होते थे, और हमारा कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाता था कि हम जो है ना वो उस कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना वो बहुत सारी अपोनेंट्स की वीकनेस को जो है ना वो कवर करते थे, और इंशाल्लाह ताला उस पर काम करते थे, जिसकी जिसको
जिसकी वजह से जो है ना वो काफी अच्छा रिजल्ट जो है ना पाकिस्तान हॉकी टीम को मिलता था, प्लेयर्स और कोचेज आपस में मीटिंग करते। अब हार्डली आप देखें कि पाकिस्तान टीम को या जूनियर कोई भी है इनको एक्सपोजर बहुत कम मिलता है, जिसकी वजह से ये भी एक जो है ना वो फैक्टर है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर जाना और टीमों के साथ खेलना तो एक बहुत बड़ी अमाउंट का जो है ना वो एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है आपने। जी हाँ, अच्छा मैं जिगराज जी मुझे ये बताइए कि आप शहबाज साहब के साथ मिलकर हॉकी के की प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है और कितना पोटेंशियल है कनाडा में हॉकी की ग्रोथ का, हॉकी के का फ्यूचर कैसा है? Hockey has growing. It's grown a lot in the past years in Canada with Shabazz's coaching. We have four players on the national squad. Two of them are training facility right now in BC. So there's a lot of potential with Shabazz coaching. Right, Jeep. अच्छा नवीद आलम साहब, आप जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ सिक्योरिटी रीजंस होती हैं अगरचे, लेकिन चलें खुशाइंद है क्रिकेट भी वापस पाकिस्तान में आ रही है। इस दौरान हमने कबड्डी की टीमों को भी पाकिस्तान में देखा है, कुछ और गेम्स के लोग भी आ रहे हैं, तो चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं अगरचे थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन शहबाज साहब ये समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर्स को इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जो है वो या दूसरे ममालिक के प्लेयर्स के साथ उनका एक्सपोजर हो, उनको खेलने का मौका मिले, और जाहिर है ज्यादा से ज्यादा खेल कर ही आप अट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं खेल में। अभी तो बात सूरत आ रही है ना, खबर से ही गायब है हॉकी। यानी अगर आप पिछले दो महीने के उठा के देख लें बुलेटिन टेलीविजन के न्यूज पेपर, तो हॉकी की खबर ही नहीं है, हॉकी के ऐसे लगता है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे कहीं पर। तो ये इवेंट्स होंगे उस वो लाइमलाइट में आएंगे, उस पर प्रोग्राम्स होंगे, उस पर टीवी पे बात होगी, उसको वो टॉक ऑफ द टाउन बनेगा, तो शायद चीजें बेहतर होना शुरू होंगी। नवी साहब असदुल्ला, बहुत आपने ठीक बात कही। मैं एज ए कोच शहबाज का बड़ा अच्छा एनालिसिस उसने किया कि हमारे प्लेयर्स का इंपॉर्टेंट है आपस में खेलना। आई मीन हर हॉकी प्लेयर का, वो क्लब हो नेशनल हो हर एज ग्रुप का आपस में। दुनिया की विश होती थी पाकिस्तान के साथ खेलना, पाकिस्तान के प्लेयर के साथ वो स्किल लर्निंग होती थी और हम उनसे उनके जो स्ट्रेटेजिक प्लान होते थे वो सीखते थे, ये आपस में खेलने का फायदा होता। जब फेडरेशन ने नेशनल लेवल के ऊपर एमओयू करती है तो हर एज ग्रुप के साथ तय कर लिया जाता है कि हमारा ये कॉलेज स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल के वुमेन हॉकी फ्रॉम द कनाडा ऑन द टॉप है, तो हम अपनी वुमेन हॉकी और इनका आपस में एमओयू करें, चाइना के साथ कनाडा के साथ हम ट्रॉयो आपस में हॉकी खेलें। इसी तरह हमारे जो हर एज ग्रुप में मौजूद है, इसमें पैसा जिस तरह होता है हर जगह पे पैसा लगता है, लेकिन ये तो ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है प्लेयर को। जैसे हमारे बाकी दोस्त थे उन्होंने कहा प्लेयर को अगर वो किस लेवल का प्लेयर है उस लेवल को पे करना, उस लेवल को उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, ये नेशन की फेडरेशन की ड्यूटी है। और जब तक हम आपस में लोगों को, और ये कोई बड़ा असदुल्ला इशू नहीं है पाकिस्तान का, दुनिया में आज भी अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट हो जाए तो दुनिया पाकिस्तान आना चाहती है। अभी आप देखें साउथ अफ्रीका आई भी है पाकिस्तान में नो सिक्योरिटी रीजन, स्पेशली लास्ट दो साल अगर आप देखें तीन साल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीसफुल उन मैनर्स में है कि आपकी कह लें कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी चल रही है, दुनिया भी आ रही है, और आने वाले टाइम पे हम उम्मीद करते हैं कि जैसे सैफ गेम 2023 साउथ एशियन गेम्स हो रही है तो पाकिस्तान खेलने के लिए बहुत ही अच्छा और सीखने के लिए और इसी तरह आपस में कोलाबरेशन, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी नेशनल फेडरेशन है ये हमारे नेशनल कोचेज का इंटरनेशनल कोचेज का ये सुने, ये जो कह रहे हैं कि हमें आपस में खेलना है, हमें बच्चों की ग्रूमिंग के लिए ये करना है, तो ये अदारों की ड्यूटी है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो हमारे सरबराहान बैठे हुए हैं जो माशाल्लाह कुछ 5-5 लाख रुपया सैलरीज और बाकी इंसेंटिव ले रहे हैं, तो प्लेयर के लिए कंट्रीज के लिए इन चीजों के ऊपर सोचे कि किससे हमारी हॉकी एक्टिवेट होगी। जैसे आपने कहा कि डिस्कशन में आएगी, मीडिया में आएगी, बात होगी, हॉकी होगी, एक्टिविटी होगी, तो फिर हॉकी इंप्रूवमेंट की तरफ भी जाएगी। अभी तो हॉकी को इन लोगों ने स्क्रीन से साइड पे कर दिया। जी हाँ, ये होगी तो इम्प्रूव होगी ना, आप कह रहे हैं होगी तो इम्प्रूव होगी ना, जब होगी तो इम्प्रूव कैसे होगी। वेरी राइट। अच्छा मिस्टर जिगराज, वुड यू लाइक टू गिव सम सजेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ हॉकी? आई थिंक इट जस्ट नीड्स टू बी ब्रॉडकास्टेड ऑन अ बिगर स्केल, like more international, like more viewers,
it just needs more broadcasting. Yes. राइट जी, इसमें इसमें असदुल्ला इसमें जी शबाज साहब जी कर दीजिए, ये जो स्टूडेंट है जो जतिंदर ये जुगराज, ये नेशनल जूनियर की अभी स्टूडेंट है, तो ये अभी नेशनल जूनियर की तरफ से रिप्रेजेंट करता है और वैसे अगेंस्ट यूएसए सीरीज भी खेल चुका है, ये बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और ये इसको मैंने पांच साल बच्चे हैं जो जिनको ट्रेन किया था, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जूनियर में भी खेल रहे हैं और दो तीन जो है ना वो कैनवे। दूसरा मैं आपको थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, ये अभी बात कर रहे थे असदुल्ला, असल में बात ये होता है कि आपकी फेडरेशन जिसने पूरे पाकिस्तान की हॉकी को रन करना होता है, आपकी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जितनी देर तक वो फाल नहीं होगी, जब तक वो फाइनेंशियली तौर पे जो है वो ठीक नहीं होगी, आप ग्रास रूट लेवल पे ये तो सारी अकेडमी स्कूल्स और ये क्लब लेवल की बातें होगी, जितनी देर तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नीचे तक जो है ना वो काम नहीं करेगी, उनका फाइनेंशियली बहाल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखें अगर एक अकेडमी को कोचिंग करते हैं कोई भी जाता है तो उसके लिए एक्सपेंस चाहिए, ठीक है ना जी, बच्चों को उनका हॉकी का जो है ना वो स्टाफ लेकर देना होता है, तो उनको जो है ना वो आगे जो है आजकल हॉकी में जो है ना वो इतना एक्सपेंसिव हो चुका है पूरा जो है स्टाफ जो है हॉकी का, शूज से लेकर किट तक हॉकी तक जो है ना वो, ये भी एक बदकिस्मत ही हमारी कि हॉकी जो है ना इस वक्त 10 से 15-20 हज़ार के दरमियान उसकी कीमत है, शूज है ये अलग है, ये काफी सारे एक्सपेंस होते हैं, और जितनी देर तक फेडरेशन ये प्लेयर्स को या निचले लेवल तक इनको जो है ना वो अकोमोडेट नहीं करेगी, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो भी एसोसिएशन हमारे दौर में पंजाब और असदुल्ला, हम आपकी बात से एक थोड़ा एडिशन कर दूं एक लफ्ज जी, देखें प्ले जैसे आपने कहा ना कि फाइनेंशियल मजबूत होना, अगर हम फाइनेंशियल स्ट्रेंथन होंगे, हमारी पॉलिसीज अच्छी होंगी, प्लेयर्स फ्रेंड पॉलिसीज होंगी, तो मेरे ख्याल में कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो मेरे ख्याल में हॉकी में पाकिस्तान का पैसा नहीं रहा, इशू नहीं रहा, हमारी अकाउंटेबिलिटी परफॉर्मेंस और जो हमारे ऊपर फेडरेशन के इदारों पे चंद बंदों के ऊपर इल्जाम लगते हैं, क्यों कि गेम वही की वही है, प्लेयर वही का वही है, वो मेरा मेरा जो पॉइंट है, देखिए आपके दौर में हमारे दौर में जो आपको पता है कि पंजाब जो सूबे होते थे ये प्लेयर्स को जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से डिवीजन लेवल पे उठाते थे और उनको स्कॉलरशिप देते थे और बकायदा आपको पता है कि कैंपिंग पंजाब स्पोर्ट्स जो है ना वो हायर करता था, ये चीजें जो है ना खत्म होती हैं, डिवीजन लेवल पे जो है ना डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे जो है ना वो राइट सर होता था, बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छी सजेशन दी, इस पर पुरमगज गुफ्तगू हुई है, मजीद भी बातचीत होती रहनी चाहिए, हम आपको दोबारा भी जहमत देंगे ताकि इस पर बात होती रहे और हम जो है वो हिलाते जुलाते रहे उन लोगों को जिन्होंने ये सब काम करना है। बहुत शुक्रिया शबाज जूनियर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, नवीद आलम साहब और जिगराज कलकत हमारे साथ मौजूद थे, तमाम मेहमानों का शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।